शारे बेटा चल। ये तमाशा बंद करिए आप, सुनता नहीं आप, ये नाटक बंद करिए। चलिए चलिए चुपचाप घर चलिए। हम कहनी आपसे, हम आपके साथ नहीं खे जाए। रटका लगे बड़ू का समझा इनके कारण लगे बड़ी ना जाए ना जाए। अरे हो गए बड़ा से भूल, हो गए गलती, बस आप भी हाथ उठे नहीं हमरा पर, उठे नहीं कि ना हिसाब बराबर। इतना बड़ हिमाकत कह लू ना आप, अपने पति के थप्पड़ मर ली, अपने पति के थप्पड़ मर ली, बतावा का थप्पड़। हम आपके माफ कह नहीं, अभी हमरा के माफ करी, ये बात कहीं कहीं खत्म करी। ओके रात गल बात गल। उर्मी सम्राट जी पर हाथ उठे लू तू, देखी भाई बताई, आपन गलती के बारे में केहू के बतैली ना ही, पर हमरा के गलत साबित करे में लगल बाड़ी। हाय राम, ये का कहलू तू उर्मी, आपन पति पे क्यों हाथ उठावे ले का? देखिए दादी जी, देखिए आप, इतना कुछ होके के बावजूद हम इनकरा के लेवे आयल बानी, बताएं। देखिए आपन ही तमाशा बंद करी, हमारी गलती की सजा आप हमरा दे चुकल बानी, थप्पड़ मार चुकल बानी हमरा, अब का और थप्पड़ मारब हमरा? थप्पड़ काहे मर ले रहनी, आप अच्छा तरह से जानत बड़ा सम्राट जी। और रहल बात आपके गलती के, तो ओकर कोनो माफी भी नहीं खे और कोनो सजा भी नहीं खे। आपके अपन फैसला बता चुकल बानी हम, आपके साथ दोबारा लौट के नहीं खे जाइब हम, आपके साथ हमारा रिश्ता तोड़े के ई फैसला केहू ना बदल सकेला। शायद अब ध्यान ना देला, आपके नाम के मंगलसूत्र उतार चुकल बानी हम, उस सिंदूर के भी अलग कर देले बानी अपने आप से, जे आप हमार मांग में भर ले रहनी। कहे कि अब ई सब चीज के हमरा खातिर कौनो मोल नहीं खे, और चाहे जे भी हो जाए, ई खोखला रिश्ता में तो हम वापस लौट के नहीं खे आए सम्राट जी। बस बहुत भल सम्राट जी, अगर उनमें आपके साथ ना जाए चाहत तो वो आपके साथ ना जाए। ये आपन फैसला सुनाई देले बानी, अब आप भी एक मिनट मम्मी जी, ये पति पति के मामला पर बीच में मत बोलिए आप, फौरन चल यहां से, बहुत अगर बड़बड़ होके ठीक बा, का सीधा तरीका से समझ नहीं आवत आपके सम्राट जी? गौरव, गौरव, अरे गौरव, अरे भैया जाए दी, इतना पर धोखा करके तू बेशर्म की तरह वापस आ गई ले, ये का कर दोर हिम्मत कैसे भइल उर्मी के छुए के, तोर कौनो हक ना बनेला। गौरव, हे भगवान, भैया छोड़ी जाए दी, तू एकर लायक भी नहीं थे कि ओकरा साथे तू बात कर सका, तहार और उर्मी के रिश्ता खत्म हो चुकल बा, नीच और गिरल इंसान। छोड़ी दे भैया, छोड़ दी भैया, जाए दी। तोहरा में इतना हिम्मत आ गई तो हमरा पर हाथ उठाइबा? अबे साले जात के चूहा, नाक पर पंजा मरबे, अबे फूक दे एंगुल जाइबे, पता ना चली कहां चल गए रे साले, तू हमारे रिश्तेदार नोकता ते यही कहीं गाड़ देती तोरा के। और मां समझिए, तोरी हिमाकत के भूल जब याद रखा बेटा, तो तोरा भी याद दिलाब सही मौका पर बढ़िया तरीका से, भीख मांगबा रहम के भीख बताओ तनी तोरा के, साला चमगादड़ कहीं के आपन दरवाजा पे खड़ा होके पंख फड़फड़ा रहल बा, दो मिनट लगी साला उल्टा टांग दे वहां पर, फड़फड़ात रही बा जिंदगी भर, सम्राट सिंह राठौर नाम बा हमार। सम्राट जी, सम्राट जी, गौरव से गलती हो गई, हम माफी मांगा था नहीं ओकरा और से, अरे हटी सब के सब नाटक बाज यहाँ पर, एक और कहले हमार बेटी के लेके जाए यहाँ से, और एक तरफ अपन पट्टा बेटा से कुश्ती कराओ ताड़न हमार। ना 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 सम्राट जी, सबके सब यहाँ तू वहां साफ बाड़न देख ले, अब तोहरा के हम बकरी के बच्चा, शेर से पंगा,
बहुत भारी पड़ी तोरा के ई कदम गौरव, बहुत भारी पड़ी। सम्राट सिंह राठौर के नाम लेकर रोला ना तो देख लिया। हाय दादी, ई सब झगड़ा देख के तो बतावा, तो बताई हमार बच्चा भी तो झगड़ालू ही हो जाई ना का असर पड़ी ओकरा पे। अब ई सब जेबा उर्मी दीदी के वजह से तो हो रहल बा। ई सब का करल बाड़ू तू बहू? देख लू तोहार जीत से आ सब खराब हो गई, खराब का बर्बाद हो गई। गौरव भी मारपीट करे लागल, अपना साथ साथ तू पूरा घर वालन के जीना हराम कर देलू। तो हर एक लड़की शादी ना करे चाहत बा, दूसर लड़की ससुराल छोड़ी चलाइल बा। इस सब से हमारी इकलौता पोता पे बोझ पड़े वाला बा। हाँ फिर बेटा, हम सबके ओर से माफी मांगा तो नहीं बेटा। अरे ड्रामा नहीं के, फालतू के ड्रामा नहीं के, समझ नहीं आप? अरे ना ना, ऐसा मत कहीं प्लीज। अरे सम्राट सिंह राठौर से आंख उठा के बात करके हिम्मत ना होखेला लोगन के, और आपके बेटी और बेटे के इतना औकात। आपके बेटा गौरव की गलती के बहुत बड़ा खामियाजा भुगते के पड़ी बता रहा बनी हम आपके आज। बेटा बेटा प्लीज माफ करता, हमरा के बस आज भर के मौका था। किसी भी करके कोनो भी तरह से उर्मी के आज हम घर भेजे दे। ऐसन बा हमार बात सुनिए आप, ऐसन बा बात सुनिए हमार। अपन बेटी के अपना पास रखिए आप, ओकर शौक तो पूरा होखे और बड़ा आकर बा आपके बेटा में। कहीं ओकरा से अपन बहन के अपना पास रखे और खिलाए ओकरा के जिंदगी भर घरे बैठा के। हम भी देखा नहीं कब तक रखब आप लोगों को शादीशुदा लड़की के मायके में बैठा के। ना ना बेटा, ऐसन मत कहीं। देखा बेटा, शट अप, जस्ट शट अप। सम्राट बेटा, हेलो हेलो सम्राट जी। एगो एज फेकल और अनु। हाँ शायद मम्मी तोहके किचन में बुला रहल बानी, जाके देख के आवा। अले हमार राजा बेटा, दूध पी के टाइम हो गए। मम्मी आपके खातिर स्पेशल चॉकलेट मिल्क शेक बना ले बानी, ला। ना हमके दूध ना पिए के। काहे ना पिए के शौर्य? मम्मा मामा बहुत गंदा बाड़े, वो आज बाबा के काहे मारने। बतावा ना मम्मा काहे मारने। शौर्य ऐसे कुछ ना बस हो रही। ना मम्मा हमके यहाँ ना रहे के, चला अब हम आपन घर चलत बानी, वो भी पापा के पास। हमके बाबा के बहुत याद आ रहल बा। शौर्य आप गौरव जी, आप तो एकदम सलमान खान की तरह मार धाड़ करे ने। हाँ बहुत तगड़ा बानी आप। हाँ वैसे दामाद जी की तो आप अच्छा से धुलाई कर देने। हाँ यह लायक बाबू, उकर हिम्मत ना होई उर्मी के तंग करे। बड़ा आयल रहे ले जाए, काऊ घटिया इंसान का समझेला अपना आपके। बस बहुत हो गई। अरे गौरव जी ऐसा ना बा, अरे उर्मी दीदी के भी तो मन करत हो कि सम्राट जी के साथ रहे के। ए जैसे हमार मन करेले आपके साथ रहे के। हाँ तभी तो देखा कैसे दौड़ल दौड़ल चलाईनी। हाँ अरे उस जानवर के साथ रहे कि उर्मी के कौनो दिल ना करत होई, सारा हद पार कर देले बा, एकदम घटिया इंसान बाऊ। ओ तो बा पर भीतर के प्यार बा ना, आप ना समझेले। हाँ आप चिंता मत करी, सब हमरे ऊपर छोड़ दे, हम दोनों के मिलन करा के ही रहब। हाँ ई सब करे के कोनो जरूरत नहीं के तारा, समझलू? अरे गौरव जी बहुत भोला बाड़े आप। हाँ औरत के मन के बात ना समझेले। हाँ हमार अम्मा बाड़ी ना
एकदम सही कही नी कि औरत के मन बर्फ के टुकड़ा की तरह होखेला, जोर से मारा तो सर फूट जाले, मगर मुट्ठी में जोर से बंद कैला तो पिघल जाले। हो अब उर्मी दीदी के भी मन तो करत होगी ना पिघल जाए के। चुप, बिल्कुल चुप। अम्मा ना एकदम सही कही नी, गौरव जी ना समझी है, हमके ही जिम्मेदारी से दोनों के मिलावे के पड़ी। भैया ना समझे ने तो का भे, भाभी तो दिमाग वाली बाना, सब समझे ले अपन ननद के तकलीफ। क्या हाल बा सम्राट बाबू? अरे अरे हलो 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 हलो, कहाँ जाता रहा? आई होप पैसा के जुगाड़ हो गई होई। हम सिर्फ पैसा लेवे आयल बानी, हमार बहुत सारा क्लाइंट्स होल्ड पे बड़े, दा पैसा दा हम निकली यहाँ से। बिल्ली के छीका से छीका ना टूटे दा बेटा, जन करे के बकर दा पैसा ना दे तोहर। ई बिल्ली जब छीकी ना तो छीका के का छत भी टूट जाए। का बात बा सम्राट, अपन बीवी से प्यार ना करेला तू? अरे तार सारा पोल पट्टी ना हम जाने ली, अरे बता देनी ना घर पे सबूत सहित, तब का हाल होई तहार? अरे कहूं के ना रहबा। एको काम कर, बता दा सच, तू खुश रहा बस, ठीक बा? हेलो 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 हेलो, ई बार ना सारा सबूत लेके जाई भाभी के पास। अरे बोला था नहीं ना, जाना बता दा सच, जोन करे के बाकरा जोन दिखावे बा दिखावा, का ता हम भी दे दी 4-5 वीडियो दी। का मजाक कर रहा था? मजाक ना करल बानी, सही बोल रहल बानी, बोले के बा बोला जोन मन में बा जाके बोलदा। और हां हमरा घरे मत जाइए, और भी होना मिली अपना मायके में मिलियो। मायके में मिली मतलब? हमार लाल उर्मी के हमरा बारे में सब पता चल गया, छोड़ छाड़ के चल गए बाड़ी हमरा के, और अब तो सिर्फ काला तवा पर काजल के टीका लगाई बा और कुछ ना। अरे यार बड़ा गंदा किस्मत बा यार तुम्हार, तुम कोनो पंडित पंडित के दिखावा अपनी कुंडली, सारा तमाशा खत्म हो गया, ओकरा बाद आवत रहा डमरू बचा हुआ। ऐसे कैसे हो सकेला? मतलब ऐसा न हो सकेला बेटा, कहे कि भगवान के हमार पैसा बचावे के रहे, समझला ना, तो बेवजह में करोड़न के नुकसान हो जात हमार। अरे ये कुछ नहीं खे अमृत, बताइए का बा, ये हमारा अच्छा नसीब बा और तुहार फूटल किस्मत। ये भाई तुहार थोड़े से पहले घड़ा फूट गए, सारा फॉल्ट तुहार बा, सारा फॉल्ट। बड़ा होशियारी दिखावत रहा वो दिन सम्राट, ला 2 दिन अरेंज करा पैसा, सारा गड़बड़ हो गया तुहार, वो दिन ले लेता कुछ मिल जात। अब का मिली, घंटा मिली या ये मिली झापड़, रायदा कोनो फायदा नहीं खे। अब तू यहाँ बैठा अपन किस्मत में रोआ, अपन लक के कोसा। तो हर सहारा का सारा धमकी के हवा निकल गए। ई लड़की के दिमाग खराब हो गए बा, मंगल सूत्र कोनो खिलौना ना बा कि पति से झगड़ा भई निकाल के फेंक दे। अरे सिंदूर और मंगल सूत्र सुहाग के प्रतीक बा, पति के ना रहे पे ही अलग की हलचाल है। ई थोड़े कि पति से जरा से खटपट भइल और गला से अलग कई देलू। जानत बनी हम दादी, तभी निकाल देनी अपना आप से हम। अरे जब हमार पति बाढ़े ही ना तो का अर्थ भाई प्रतीक के, और काहे झूठ मूठ के सजावट के सामान अपना ऊपर लाद के घूमत रही जेकर कौनो मतलब ही ना। देखा देखा बेशर्मी तो देखा है लेखी के, सारा हद पार कर दे ले बड़ी। अम्मा ये सब कुछ मिट्टी में मिला के छोड़ी बता देता नहीं हम, ना एकर हमनी के परवाह बा ना वो लोगन के। रिश्ता जब लाश बन जा लेना तो उनके दफनाए भी बेहतर हो खेला, ना तो जिंदगी भर वही सड़ान में सांस लेत जीव जीवन के सबसे बड़ा सजा बन जा ले। उर्मी अगर ऐसा सजा ना काटे की चाहत बाढ़ काम के लागत बा जबरदस्ती उकरा के वही नरक में धकेले के ना चाहिए। तू अपन उपदेश अपना पास रखा सरोज, बेटी के घर उजड़ता इना के उकरा समझाई, उल्टा भड़कावत आड़ू एकरा।
तोरा से हम बाद में बात करब। हाँ तो उर्मी, चला हम मननी कि सम्राट के छोड़े के फैसला कर ले ले बाड़ू तू। अब तनी ई बतावा हमरा कि आगे के जिंदगी के बारे में का सोच ले बाड़ू। कैसे कि अब तू अकेली तो बाड़ू ना, तोहर बच्चा भी तोरा साथ बा, वो कर भी जिंदगी बा। और आज के दुनिया में एगो बच्चा के पालल कितना मुश्किल काम बा, ई तू तो जानत ही बाड़ू। ते ही बतावा कि शौर्य के कैसे पलबू तू, हाँ? सारा जिंदगी बिना पति के कैसे रहू? कुछ सोचले बाड़ू ए बारे में, का करे के बागे बतावा हमके। अरे ई का पूछत बाड़ा आप, ई कैसन सवाल बाड़े? कड़वा बना, लेकिन सवाल बिल्कुल जायज बा सरोज। अब जाने के पड़ी ना कि आखिर का कैसे होखी, हाँ? शौर्य के लालन पालन कैसे होखी? काहे उर्मी, ये सब जाने के हक बा हमके कि नहीं खे बा? बोला ये का कहत बा? पापा बिल्कुल सही कहत बने, इनकर तो पूरा हक बनेला जाने के। आपके इस सवाल के वजह से आज हमके हमार कितना सवाल के जवाब मिलत जात बा पापा, जे हम कबो अपने आप से पूछे के बारे में सोचले भी ना रहनी। आज तक ना सोच ले रहनी पापा कि हमके करे के काबा। आज तक अचानक आप हमार आंख खोल देनी, अब लागत बस जल्दी हमके कुछ करे के होगी। जिंदगी परत दर परत आपन सच्चाई के खोलत जात बा, और हमके धीरे धीरे सब कुछ समझ में आवत बा। आपके पता बा पापा, जब हम अपन ससुराल से आयल रहनी तो हमके लगल रहे कि हम अपना अपना घर आयल बानी, अपना मायका आयल बानी। यहाँ तो रहे के पूरा हक बा हमार, लेकिन पता बा का मम्मी, जब यहाँ आईनी ना तब हमके पता चले कि लड़की के शादी के बाद सिर्फ कहे खातिर उकर दू गो घर हो खेला। सही मायने में ना तो उकर मायका उकर खुद के हो खेला, और ना ही ससुराल। और रहल सारा रिश्ता उ हालात के साथ बदलत रहल। लड़की जिनकरा से पैदा हो खेली पूरा जिंदगी वो उनकर जिम्मेदारी ना हो खेली, ई बात हम यहाँ जान ली पापा। जौन दिन वो घर से विदा हो खेली सिर्फ नाम के रिश्ता रह जाले, उनकर जिम्मेदारी की बोझ ना रहे। थैंक यू सो मच पापा, आज आप हमरा के एक और चुनौती देले बड़ा। आप बिल्कुल फिक्र मत करी, हम आप पे या केहू और पे बोझ ना बना। हम कुछ ऐसन करब पापा जेकरा में हमार आत्मविश्वास होके, हमार अस्तित्व होके, और हम केहू पे निर्भर ना होखी। और रहल बात शौर्य की, तो ओकर चिंता आप बिल्कुल मत करी पापा। कौन से स्कूल में पढ़ी ई तब वक्त ही बताए, लेकिन आप तो एगो अध्यापक बड़ा ना पापा। आपसे बेहतर के जानेला कि बच्चन के सबसे बड़ा स्कूल ओकर खुद के माँ हो खेली। और शौर्य के ऊ स्कूल में ऐसन पढ़ाई मिली पापा कि जिंदगी में ओकरा के कबो के हूँ मात ना दे पाए। बच्चा पिता बिना पल सकेला और महान भी बन सकेला। कहे कि अगर ऐसा ना हो खतना पापा तो शकुंतला के बेटा भरत के नाम पे हमार देश के नाम भारत वर्ष नहीं खे होखत। सॉरी मैम,
आपके पास कोनो एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही कोनो प्रोफेशनल डिग्री बा, यही सही जॉब हमने आपके कैसे दे सके नहीं। इट्स डिमांडिंग जॉब। सॉरी मैम, ये वैकेंसी खातिर आप फिट नहीं थी, आप जा सके नहीं। देखी ऑडिट के पहले जुलाई के सारा बैलेंस शीट हमरा के चाहिए। अब ठीक बा, चाहिए। अब हुआ यहां का करत बा। वेलकम मिस्टर सम्राट। आप तकलीफ का है कहनी, हमरा बोल देती अपन बंदा भेज देती आपके पास। अरे ना ना मिस्टर सोलंकी, आप इतना समय से हमरा पीछे पड़ा बानी कि बैंक में अकाउंट खोला अकाउंट खोला, बस विचार कहनी हम आपके प्रपोजल के, और ये डिसीजन लेने बानी कि आपके बैंक में हमारा अकाउंट खुल के रहे। अब थैंक यू सर, वी आर ग्रेटफुल। आए बैठ के बात कर देनी। पहले आप सर। ना सर, ये हमार पहला ही जॉब होगी, बट सर हम बहुत ही मेहनत और लगन से सारा काम करब और बहुत अच्छा काम करब। आपके हमरा तरफ से कबो कोनो शिकायत के मौका ना मिली। उर्मी सिंह राठौर जी, अगर हम गलत नहीं की था, आप सम्राट सिंह के वाइफ बने। हाँ ना जी। मैम आपके काम करके जरूरत ही का बा, अब टाइम पास करे खातिर किटीवीटी ज्वाइन कर ली, जैसे कि बड़े घर के औरतन कर ली, लाइक सोशल वर्क, पॉलिटिक या फिर कुछ और। सर आई वांट अ जॉब। मैम अगर आपके काम करे के ही बा, तो आपके अपन पति के साथ काम करे के चाहिए। यू कैन ज्वाइन हिज बिजनेस। राइट, थैंक यू। चलो भाई, सी यू सून मिस्टर सोलंकी। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। हाँ शर्मा जी बोली। और कैसे बनी मिस्टर सम्राट? बढ़िया, एवन टॉप क्लास। आप बताएं आप कैसे याद के नहीं? आज आपके वाई फाइल रनिन हमारे पास जॉब खातिर। व्हाट? जी हाँ, कहाँ है काबे? मिल गए जॉब। यार देखा हमार बात सुनी का, चल का रहल बा का, एटीट्यूड का देखाओ तड़ू हमरा के। अरे का करता तड़ू, दिमाग खराब हो गया बा, पागल हो गया? यू आर मैड? थाने ले बड़ी हमरा के बदनाम करे खातिर का चाहत का बनी आप? इका इका चल का रहल बा, इका करता तड़ू, इका दर दर के ठोकर का तड़ू, नौकरी मांगे खातिर हाँ भीख मांगा तड़ू, ताकि सब पे पता चल जाए कि हमारे पर्सनल लाइफ में का चलता, का इशू चल रहा बा, का पूरा दुनिया के सामने हमारा नाक कटवाल चाहता तड़ू आप? कि जे को देखे के सम्राट सिंह राठौर अपन बीवी के संभाल ना पेलस, खुश ना रख पेलस, यह चाहता हूँ आप? और मंगल सूत्र सिंदूर कहाँ बा आपके? अरे विधवा ना हो गई बानी आप? खराब आपके पति आपके सामने बड़ा स्मार्ट बन के घूमा था नहीं, यहाँ पर घर में ना पहन लो ठीक बा, बाहर पहनी आप? अरे जे आपके पहचान लगा सोचिए हमारा बारे में, कहीं ई दिखाओ चाहता हूँ का? क्या आप एक बच्चा के माँ ना बाड़ू, कुंवारी लड़की बाड़ू,
लोगन के बीच कुमारी लेखन वाला इम्पोर्टेंस चाहता हूँ का आप? हमार बनल बनाई इज्जत के मिट्टी में मत मिलाइए, आप समझ लिए बात के? आज भी आप सिर्फ अपना बारे में ही सोचत बड़ा और बिल्कुल अपना तरीका से सोचत बड़ा। वैसे भी हम आपसे बहुत आगे निकल चुकल बानी, काहे कि अब हम जे करब या जे कर रहल बानी वो सिर्फ और सिर्फ अपना खातिर करत बानी, आपके खातिर नहीं, काहे कि ई हमार जिंदगी के सवाल बा। और रहल बात आपसे बदला लेवे के, तो इतना घटिया सोच हमार नहीं खे और ना ही हम आपके इतना तवज्जो दे ले सम्राट जी की आपके बारे में इतना सोची। आपके याद होगी कि रिश्ता हम तोड़ ले बानी, शादी के भी और मन के भी। आपके कौनो वैल्यू ना बा हमार नजर में, आपके तो कौनो वजूद ही नहीं थे। और एक बात, माँ बनब हमरा खातिर बहुत फक्र के बात बा सम्राट जी, जे सच्चाई के छुपा के हम आपके तरह आपके स्तर तक ना गिर सकेंगे। और एक बात समझ ली सम्राट जी, जब आपके कोनो वजूद ही नहीं थे, जब आप हमरा खातिर एग्जिस्ट ही ना करें, तो आपके नाम के मंगलसूत्र और सिंदूर हम ना लगाई। आपके खातिर सिंदूर और मंगलसूत्र खेल तमाशा होखी हमरा खातिर नहीं थे, आपके खातिर सोसाइटी में दिखावे खातिर झूठा शान होखी, लेकिन हमरा खातिर नहीं थे। जब तक रिश्ता के और आपके मान सम्मान करत रहने, तब तक पूरा मन पूरा श्रद्धा से हम शादी के उप्रतीक मंगलसूत्र और सिंदूर के पहन ली। लेकिन अब ना, काहे कि अब अगर हमें मंगलसूत्र और सिंदूर के पहनत बने, तो समाज के ऐसन कई चीज के अनादर करब सम्राट जी, जे दू व्यक्ति के समाज में एगो उच्च स्थान देला। कब कबो जिंदगी में ऐसन मोड़ आवेले सम्राट जी, जहाँ सिर्फ सब कुछ बदल ही ना जाला, बल्कि ऐसन लागेला जैसे एगो नया जिंदगी मिल गई लोगे और हम अपनी नया जिंदगी में बहुत खुश बनी। कहे कि अब हम सम्राट सिंह राठौर और उनकरे परछाई से बहुत दूर निकल चुकल बानी। आप भी इस सच के जितना जल्दी मान ली, आपके खातिर अच्छा होगी। कहे कि अब उर्मी सम्राट सिंह राठौर के पहचान के मोहताज ना भी है। कहे कि अब हमार खुद के आत्मसम्मान बा, अपन खुद के अस्तित्व बा, और अब जिंदगी में हर कदम जे उठी वो सिर्फ हमरा खातिर खुद के खातिर उठी, केहू और के खातिर ना। और अब खुद के हम के या हमार कौनो भी चीज में ढूंढब बंद कर दी सम्राट जी, कहे कि अब हम आपके कहीं भी ना मिला। दादू मंदिरा, देखी मम्मी का कर रहल बानी। का मम्मी कह रहल बानी कि इ बार हम अपना हाथ से शौर्य के राखी ना बांध सकेनी और वो हमार राखी शौर्य के पास भेज देनी। काहे दादू, आखिर काहे? हम अपन हाथ से शौर्य के राखी बांधा भी बांधा। देखी ना पापा, कैसे जिद पे अड़ल बिया। अब एकरा के हम कैसे समझाई कि ऐसन हालात बा कि ना हम वहाँ जा सकीले और ना ही शौर्य यहाँ सकेले। और आपके तब पता बा कि देवर जी के अगर पता चलल तो कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दे हैं। यही खातिर हम ड्राइवर के हाथ मंदिरा के राखी भेजवा देनी, लेकिन जिद कर रहल बाड़ी। अब आप ही कुछ समझाई ना पापा। अच्छा ये बात बा, हमार पास आवा। देखा बेटा, शौर्य अपन नानी के घरे गेल बा, तो तुहार चाची और शौर्य कितना दिन से वहाँ गेल बाड़े। अब उनकरा वहाँ बीच में बुलावल अच्छा लगी। और देखा, तू हर साल शौर्य के राखी बांधलू ना, तो ये बार तो हर चाची अपन भैया के राखी बांधी। उनकर घर में भी राखी के त्योहार मनावल जा रहल बना बेटा। और तू कहे टेंशन ले रहल बड़ू, तो हर राखी तो शौर्य के पास पहुंच जाई ना और वो बांध ले। पर
पता चली दादू कि शौर्य हमारा राखी बांध ले ले। अरे भाई वापन फोटो खिंचवा के भेज दी तो रखे, तू देख लिया? ए राखी कब भेजो लो बेटा? थोड़ा देर पहले ही भेजनी, अब तक तो ड्राइवर वहाँ पहुँच गए होंगे। नमस्ते सर। तू तो सम्राट के ड्राइवर हवा ना? जी सर। बोला यहाँ कहाँ है बड़ा? ये कंचन भाभी राखी भेजोले बंदरा बेबी के तरफ से शौर्य बाबा खातिर। एक तो हमनी के बहिन के जिंदगी के साथ ज्यादती भेल बा, तबो केहू कुछ ना बोले आइल। अरे हमनी के बहिन की जिंदगी बर्बाद हो गई और केहू के कान में जू तक ना रेगल। अरे उनके का लागेला हां के राखी भेजे से सारा घाव भर जाई, हमार भांजा के कौनो राखी ना बांधल जाई, ना चाहिए राखी, जाके बोल दे या उनकरा के सारा रिश्ता सारा रसम सब खत्म। तो दादू शौर्य और चाची कब वापस आई हैं? बहुत जल्दी आ जाएंगे बेटा, तू जा खेला। ये ये संभाल के काहे झूठ बोल रहा बड़े बच्ची से ना आवे वो दोनों। हाँ अरे ऐसे काहे ना आई, बहू भी आई घर के ना आई तो हम जाके ले आई बकरा के। हाँ आपके उर्मी बहू अब बहू ना रहल, पतंग बन गई बाड़ी और उड़ रहल बाड़ी झांसी के आसमान में। मैडम जी नौकरी ढूंढ रहल बाड़ी आजकल। तू ओकरा के इतना मजबूर कर देले बड़ा सम्राट कि वो रास्ता पे चल पड़ल बिया। कौनो भी रास्ता पर चले पापा, वापस ते ही आए के पड़ी ओकरा के। करे के दी जोन करे के बाकरा, कहे क्यों जाने लेना जब पतंग कटे लेना का हालत हो खेला ओके। और आप में से क्यों कुछ ना करी, जोन करे के बा हम करब, आप लोग रिलैक्स करें ओके। बहुत जल्द नाक रगड़ वापस आई हमारा पास, तब हम ओकरा के ओकर औकात दिखाई। अभी भर लेवे दी जितना उड़ान भरे के बाकरा, जब जी में आई खींच ले बोकर डोर। काबा क्यों जानत नहीं खे कि झांसी के पूरा आसमान सम्राट सिंह राठौर के पास। है सही कह रहा बड़ा बेटा, एकदम सही है। हाँ ठीक बात है, सवेरे ताजी मिठाई भिजवाई दी। चल ए सुना का भेल, कहाँ जा रहल बाड़ तू? कंचन भाभी के पास। माँ जी काहे? राखी भेजोले रहलिन सौर्य बाबा खातिर, उहे लौटावे, उर्मी भाभी के भैया लौटा देले। का हाय ओकर इतना मजाल, और कंचन कंचन भी रिश्ता निभावे चलत रहे, और तू तो क्या अपन नौकरी प्यारी ना बा, तो क्या पता ना बा सम्राट की से पता चली तका होगी हैं? माँ जी उनकरा मत बताई हा, वो भाभी जी के हुकुम रहे यही खातिर हम चल गए नी। ठीक बात, जैसे जैसा हम कही ना वैसे वैसे करिए, ना तो सोच ही ले तुहार नौकरी गई। का बोली माँ जी? देखा कंचन से तो कहिए कि ई राखी बना ई गौरव ना उर्मी वापस लौटेले बानी, और ई भी कहिया कि उर्मी कहले बा कि ई घर से ई घर के सब सदस्य से ओकर कौनो रिश्ता ना बा, हाँ चाहे वो जे भी होके। ठीक बा? ठीक बा माँ जी। तब खड़ा का है बड़ा, जा। ए बड़ा प्यार बाना जेठानी देवरानी में, तो अब देखत बानी बजा। हाँ उर्मी राखी लौटा दे ली? हाँ जी भाभी जी, वो कहलिन की जाके कह दिया कि हमारा घर वालन से केहू से कोनो रिश्ता नहीं रखे। का कर रहा बड़ा तू? अरे हमार और मंदिरा के साथ का दुश्मनी हो सकेली हो के जे ओके हमारा साथ रिश्ता ही ना रखे के बा? सुना तू उसे कहला ना कि हम भेजले बानी? जी हम कहने की कंचन भाभी भेजले बड़ी। हाँ तो वो हमके बहुत सुनौलिन और कालिन की वापस ले जा। ठीक बा तू जा। जी देखने आप उर्मी का कहिलस, अरे बच्चन की का सजा दे
उन घर तक परवाना कैलस हूँ और हम कितना प्यार करी हुई ओकरा से जाने ले हूँ फिर भी वो हमारे साथ ऐसा कैलस हमरा यकीन नहीं क्या हो रहा कंचन उर्मी ऐसा ना कर सके ले सुने ले ना आप ड्राइवर साफ साफ बतेलस कि ओकरा के हमनी के साथ कौनो रिश्ता रखे के ही ना बा जैसे देवर जी के साथ हम सब मिलजुल कर बानी ठीक बा अब उर्मी ई तय कर ले बा कि ओके हमरा से बैर रखे के बा तो यह सही हम भी मरना चाहे बकरे बगैर अब हमार ओकरा से कौनो लेना देना नहीं के और ना ही हमार बेटी के भूल जाए मंदिरा कि शौर्य नाम के कौनो भाई भी बा ओकरा इहे चाहत बिया ना उर्मी तो इहे सही ई भईला बात ए तीर एकदम निशाना पे लागल बा ला नाश्ता कर ला हम ना करब नाश्ता काहे काहे ना करबू नाश्ता हाँ जब तक शौर्य हमार राखी के फोटो खींच के ना भेजी तब तक हम ना करब नाश्ता बस मंदिरा चुपचाप खा बेकार के जिद मत करा और भूल जा कि आज राखी बा नरक ना करा सुकून से जिएदा हमके परेशान कई के रख दे ले भाई छटाक भर के लेगी चला पहले टीका लगाओ अच्छा सुनो ये तोरा खातिर थैंक यू चला भाई जल्दी करा आई एम गेटिंग लेट चला आ जा चल चल लाई हाथ काबा कुछ ना कहा चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए एकरा अलावा बोला हाय एकरा से चाहे तो और का देबा बेटा ये तो बहुत बा और कुछ चाहिए का तो की हाँ ना कुछ ना भैया अरे बोला तो हर दिन बा भाई जोन मांगू मिली जब जरूरत होगी ना तो मांग ले आज के दिन उधार रहल आप पे अच्छा बहुत बड़ बातें कर रहल बाड़ी ठीक बा भाई आजुवेश चला था नहीं हम अरे ईका अब तक शुरू ना कहिलू तू हम कहनी ना हम नाश्ता ना करब नाटक ना मंदिरा 10 मिनट में नाश्ता खत्म हो जाएगा चाहिए वरना देख ले तो हर सारा जिद हम भुलवा दे और कोनो बकवास ना सुने की बात चुपचाप ही आई हाँ हम कहनी ना हम ना करब जे करेगे बा करला मंदिरा कहे चिल्ला रहल बाड़ू बच्ची पे ए बहुत ही बदतमीज हो गइल बा ई लड़की हे तू कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा ले ले बाड़ू एकरा के ए मार अब एक मंदिरा ऐसे ना करे के बेटा यहाँ वा मंदिरा आप ना भगवान जी के राखी बांधा जे बहन के भाई ना होके लेना वो भगवान के राखी बांधे ली पता बा आपके ना हमके शौर्य के राखी बांधे के बा हमके पता बा शौर्य ही हमार भाई बा मंदिरा चला हम बाहर जात बानी आज बुआ और मंदिरा साथ घूमे जाए ठीक बा कैसे बिखर गईल बा सब कुछ उर्मी बहू के गईला से उर्मी
आज तोहफा में हम आपन प्यार और एगो वादा देता कि जब तक तहार मर्जी होके तू यहां रह सकेल। दीदी चला चला तू यहां आवा बैठा, अब हमार बारी। माँ आज ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग बा, शायद तनी लेट हो जाई। ठीक बा बेटा। मम्मा मम्मा हमार राखी कब आई, हम राखी कब बांधब? देखा शौर्य, हम राखी बांधे आ गए नी। मम्मा देखा हमार दीदी आ गई नी हमके राखी बांधे। आई आई हाँ। बेटा नमस्ते। नमस्ते बेटा। सबेरे से मंदिरा जिद करत रहे कि शौर्य की राखी बांधे चाहत भिया, तब यही खातिर हम। अच्छा कैलू ले आईलू मंदिरा के, शौर्य भी बहुत याद करत रहल बेचारा। मंदिरा यहाँ आवा, आवा हम आप दोनों के राखी बंधावतानी, बैठा। थैंक यू दीदी, आप मंदिरा के ले आईनी। आपके बिना सब बहुत अधूरा बा भाभी, पर का कहीं और कौने मुंह से आपके घर लौटे खातिर कहीं। जिंदगी में कई बार दीदी ऐसन हालात आवेले जहां हम सब लाचार हो जाले। अच्छा बतावा मंदिरा दीदी, आपके हमरा से का गिफ्ट चाहिए? कुछ ना शौर्य, बस तू घर जल्दी से आ जा, हम तो के बहुत मिस करी ले। ठीक बा, हम जल्दी आ जाए, आप अपन ध्यान रखा। ए, बेटा इतना जल्दी आ गई ले तू है? बेटा उर्मी के ख्याल ना अपन दिमाग से निकाल दो, सोचा कि मर गई। हाँ हम तो हर दूसर शादी। हाँ हमार मतलब बाकी हमसे भी तेज चलनी है रात, सुपर फास्ट एक्सप्रेस नो स्टॉप, सीधा छलांग मार देनी है। सही बा है, सही करल बानी ना हम। बात सही, जब हमारी शादी की खबर हो घर में जाए ना तो घर के दीवार भी कांप जाए, इतना तो तय बा। सर के बल चल के आई उर्मी, ओकर घर वाले हमरा से माफी मांगे खातिर गिर गड़ेंगे हमरा पैर में आके। हाँ? लगा रही आप? ठीक बा बेटा, तो हम ना बात के आगे बढ़ावत बानी और आवत है। वापस तो आपके आवे के पड़ी उर्मी मैडम, कहे कि हम आपके लाइफ में इतना प्रॉब्लम भर दे कि वापस आए के अलावा कोनो चारा ही ना होगी आपका। सम्राट सिंह राठौर के हरावे वाला के पैदा ना भेल आपके बानी। बस अब आपके और आपके परिवार के पहला झटका जल्दी ही लगे वाला बा। योर ट्रेवल स्टार्ट नाउ। हेलो गौरव, बेटा तू इतना जल्दी कैसे आ गई ला? काबल गौरव बेटा। अरे काबल जी, तबीयत ठीक बना आपके? गौरव तुहार तो आज कोनो इम्पोर्टेंट मीटिंग रहल, इतना जल्दी कैसे आ गई ला?
का भेल तो के हमार नौकरी चल गई। का ये तू का करल बड़ा बेटा, ऐसे कैसे जॉब चल गई, का भेल? बेटा अभी तो तुम्हार प्रमोशन भेल रहे, फिर ही कैसे? अरे साफ साफ बतावा भाईल का। हाँ हाँ। पापा बस समझ ली के निकाल देले हमके नौकरी से। एक अकेला भगवान, एक लौता कमाए वाला और ओकर भी नौकरी चल गई, अब कहा होखी? एक कौन से समय देखावत पाड़े भगवान कि इतना मुंह खाए वाला और सहर कछु नहीं खे, का होखी? भीख मांगी के नौबत आई अब। हाय राम, ई तो बहुत बड़ अनर्थ हो गई और ऊपर से हमार बिटिया पेट से बानी, 40-50 हजार रुपया तो डिलीवरी में ही खर्च हो जाए और तवा दूध अलग से। पर गौरव बेटा, ऐसे कैसे तो नौकरी चल गई, ऐसे कैसे निकाल दिले तोरा के? कौन गलती हो गई का तोरा से? भैया कुछ तो रीजन होगी ना, बतावा। भाई बिना कारण कैसे कैसे क्यों के निकाल सकेला, बोला। तू कुछ छुपावत बड़ा ना भैया, तू कौनो छोटा मोटा पोजीशन पे तो रहला ना कि ऐसे ही चलत फिरत तहरा के निकाल दिए? भाई का बस सच बताइबा तू। हमार जॉब सम्राट के वजह से गईल बा। तू स्पेशली हमरा की जॉब से निकलवाइले बा, काहे कि वो हमनी के बैंक के खातिर सबसे बड़ कस्टमर था। वो हमनी के बैंक के बड़ बिजनेस के लालच देलस और वह पावर के इस्तेमाल करके वही घटिया हरकत कैले बा। ई तू का कहत बड़ा भैया, सम्राट जी इतना नीचे गिर गए बानी? देखा तुम्हारे गलती के वजह से का भुगते के पड़त बाई घर के। अरे अभी थोड़ा बहुत लाज बाकी नहीं खे, यह सब खत्म कर दे लू तू। अरे ना मां ना, आपन जिद में सब कुछ तबाह कर देले बाड़ी मैडम, पूरा तरह से पीछे पड़ गई बाड़ी हमनी के बर्बाद करे के। अम्मा एकर पर कतरे के चक्कर में सम्राट जी हमनी के जेल मोहाल कर दिया, आप देख लिया हम कह रहा बानी। पापा उर्मी के कुछ मत कही, उर्मी जौन कुछ भी कैले बाड़ी बिल्कुल सही कैले बाड़ी। ये सम्राट बाही घटिया इंसान और वह चीज कैले बा जौन कर सकेला। भाई ये तो ठीक ही कहत बानी ना पापा जी। हाँ और दादी, आप उर्मी दीदी के काहे डांटत बाड़ू, एमे उनकर का गलती? अरे नौकरी मिल जाए इनके दोबारा। हाँ हम प्रार्थना करम ना भगवान से। हाँ कैसन बेवकूफ लड़की भी आई, जन्मल तो हमार पेट से लेकिन पता ना अच्छाई कहां से आ गई लेकर में। ये कुछ ना कहले बड़ी, एकर कोनो गलती नहीं खे। गलती एकर भी बा और तोहार भी बा गौरव, ये घर छोड़ के आयल बड़ी और तू सम्राट जी पर हाथ उठा देला, अब भुगता दोनों, तू दोनों के साथ हमनी सब भी भुगतब। उर्मी ही इस सब मुसीबत के जड़ बाड़ी। पापा ना इहा आवती ना तोहार नौकरी जात। एक तो सम्राट जी इतना बड़ी गलती कैले, ऊपर से ऐसे नीच हरकत, तब भी आपके गौरव और उर्मी गलत नजर आवत बाड़े। एक बार आपके मुंह से ही ना निकलल कि सम्राट जी गलती कैले बानी। हमेशा उनके गलती पे पर्दा डाली के आपके आपन ही बचन गलत नजर आवेल काहे? काहे कि ई दोनों मजबूर कैले बाड़े सम्राट जी के गलत करे खातिर, समझ लू? हमरा के यकीन ना होखत पापा कि आप कैसे और काहे सम्राट जी के इतना सपोर्ट करेला, आपके हम दिखाई ना देत। पापा ओकरा बतायल नक्शा कदम पे ओकरा हिसाब से हमनी ना चल सकेली, अगर वो समझत बा कि ई सब करके हमनी उर्मी के सपोर्ट कैल बंद कर देत तो ई ओकर सबसे बड़ भूल बा। हम भी देखत आनी कि वो कितना अड़ंगा लगाई, लेकिन हम भी हार ना मानब। बहुत पैसा बनाओ पास, इतना भी पैसा नहीं खे
के वो पूरा दुनिया के अपना तरीका से चला ले। ई सब कह के वो हमरा के वापस ना पहिए ई बात तय बा। और अब चाहे उज्जे कर ले, हम उनके कौनो भी चाल से हार ना मानब। हम उनके साथ तो अब कब होना जा सकेंगे। जाने अब का देख अब बाकी बा। अच्छा ये हो कि उर्मी कि तू वापस अपने घरे लौट जा और गौरव के ओकर नौकरी मिल जाएगा, वरना ये घर बर्बाद हो जाए उर्मी, और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तू हुकबू। याद रखिया। यार अभी तक कोनो रिएक्शन कहे ना आए वहां से। घरों के ओकर लंबी छुट्टी का खबर तो मिल गई होगी और जाहिर बा ओकर घर वालन के भी पता चल गई होगी। देन व्हाई देयर इज नो न्यूज, व्हाई? खैर उर्मी, अब तक तो आपके समझ में जरूर आ गई होगी कि अगर आप वापस ना आए नहीं तो हम और काका कर सके नहीं। गौरव के जॉब जाए के बाद तो होश ठिकाने आ गई होगी आपके कि हम मजाक ना करत नहीं बर्बाद करके रख दे सबके, और यह सोच के आप वापस भी आवत हो कब हम जानता नहीं 100%। आई लेकिन अब यहां पर आपके इतना तगड़ा परेड लागी बहुत बड़ गलती, बहुत बड़ हिमाकत के लिए बाड़ू एक घर से जाके। ए बेटा बधाई होके, बधाई होके। आगे लोर्मी, आगे ना पगला है बड़ा का, उर्मी के आवे के बधाई देव का हम तोरा के अवार्ड मिले वाला बा। हाँ एक खातिर बधाई देवे आयल बानी तोरा के हम। अरे पता बा भाई, हमरा के फोन आ गेल रहे, कार्ड आवे के बाकी रहल का भाई। देख बेटा कितना खुशी के बात बाड़े, इतना बड़ा अवार्ड मिले वाला बा तोरा के। हाँ ऐसे में बेटा हम भी तोरा साथ चलब। हाँ आप कहे चलबू? हाँ आपके मिल जाता अवार्ड, हम टीवी पे देख ले रानी, माओ के भी लेके जाए ले अवार्ड। अरे चले जाए किचन में, जाए काम करिए अपन, अवार्ड लेवे चले जाए। आप जाए जाके देखिए दूध उबलो थोके जाए अवार्ड लेवे जाए। हां चल माँ, हमरा के खुशी ए अवार्ड के नईखे कौन और चीज से मिली। हे की चाहत बाप उर्मी के आपस से घर में आए और हमारे पैर पर गिरल और वो आई। आ गई उर्मी भाभी, आ गई, जल्दी चली आई। आवे के पड़ल ना मैडम जी के, आवे के पड़ल ना। उड़त जहाज के पक्षी फिर से जहाज पर ही आवेला। आवे के ही पड़ल पापा, आपके बेटा ऐसन मजबूर कर ले बानी हमके कि ई घर के चौखट के लांग के फिर से आवे के पड़ल। हाँ हाँ का है ना, ए बात तो बड़ी बड़ी कह के निकल के गयल रहलू, आखिर वापस लौट के आवे के पड़ल ना फिर से। हाँ लौट के आवे के ही रहे माँ इनके। लौट के यहाँ आना आई थी तो कहाँ जाती आप? हाँ बाकी ना सम्राट सिंह राठौर के छोड़ के जाए इतना आसान नहीं खे, वो भी होकर मर्जी के बिना। ठीक कहला, कहे कि सम्राट सिंह राठौर इतना गिरल और इतना घटिया आदमी बनी कि अपन मन के काम करे खातिर और झूठा शान दिखावे खातिर कौनो भी हद तक गिर सकेला। लेकिन आपके पैतरा से ना तो हमके
और ना ही हमरे परिवार के कोनो फर्क पड़े वाला बा। और आप ही गलत फहमी में मत रहिए सम्राट जी कि आपके पैतरा से डर के हम आपके पास दोबारा लौट आयल बानी। कहे कि हम आपके यहाँ सिर्फ इतना बतावे आयल बानी कि आप चाहे जे कर ली एड़ी चोटी के जोर लगा दी लेकिन हम आपके पास दोबारा लौट के ना आई। गौरव भैया के नौकरी से निकलवा के आप हमके और उनके कमजोर करे चाहत रहनी। ऐसन घटिया हरकत करत आपके शर्म ना आयल होखे सम्राट जी लेकिन हमके शर्म आयल कि हम इतना घटिया आदमी के साथ इतना सारा साल कैसे बिता दें। जब सीधा रास्ता से हम आपके पास ना आई तो आप इतना घिनौना काम कैले। लेकिन ई याद रखिए सम्राट जी हम मटका के जमल ऊ घी ना बनी जहां बस ऐसे उंगली के टेढ़ा कैनी और घी निकल गई। ये का सुन रहल बानी हम सम्राट तू गौरव के नौकरी से निकलवा दिला। हाँ निकलवा नहीं था तो के बड़ा चिंता बना इनकर और इन्हीं के चक्कर में हमरा पर हाथ उठेलास हमरा पर कहा तो सजा तो मिले नौकरा ऐसे छोड़ दो बुकरा के वो भुक्ति और यो भुक्ति हन। हे बाप रे बाप ए दामाद पे हाथ उठैले हिम्मत तो देखा ए उर्मी बहू और का देखावे के बाकी बा इस शर्म ने क्या आयल तोहरे घर वालन की अपन दामाद पे हाथ उठावे में ऐसे हरकत करते हुए। माँ जी शर्म उनके खातिर होखेले जेकरे पास सभ्यता होके संस्कार होके मर्यादा होके संस्कृति होके और बात करे के तरीका आवत होके लेकिन आपके ई बेटा इनके तो सीधा बात ही समझ में ना आवेले। और चिल्लाई मत और एक बात अपन कान में अच्छा तरीका से डाल हमके और हमार परिवार के छोड़ दी सम्राट जी हम अपन रास्ता बदल देले बानी। उर्मी अब तो तू अति ही करल बड़ू। हाँ उर्मी एक औरत के इज्जत तबे तक खोखेला जब तक वो अपन मर्यादा में रह ले। सम्राट के गलत साबित करत कर तू अपन मर्यादा भूल रहल बड़ू। देखो उर्मी बहू जे कुछ भइल बहुत गलत भइल बा हम माना तानी लेकिन ईश्वर खातिर अब सब खत्म करो और लौट आवा घर वापस। सम्राट शायद तोहरा गैला के वजह से ही सब कुछ कर रहा है। एक बार लौट आवा सब ठीक हो जाए बहू। ना पापा हमरा खातिर ये मुमकिन ना बा। पापा हमरा साथ जे कुछ भी भइल ओकरा बाद हमरा खातिर ये रिश्ता मर चुकल बा। इस शादी टूट चुकल बा पापा। आप प्लीज हमरा के वापस आवे खातिर मत कही। आई ज्यादा इतरा ही मत ये मत भूला कि तू एगो औरत बाड़ू इस समाज में अकेले जी ना पाएबू तू। हाँ हमार बेटा काबा हम एकर दूसर शादी करवाई दी एक ना हजारन मिली एकरा के। हाँ एक ना हजार लेके लेके आई और कर दी इनकर दूसर शादी कौनो फर्क ना पड़ेला हमके माँ जी। उर्मी इतना कड़ छने के बताओ था नहीं आपके बहुत पछताई बाप याद रखा। ए मत भूलो कि तोहार भी एगो बहिन बा ओकर कैसे शादी करवाइबू। हां ये घर से रिश्ता टूटल और छीटा ओकरा पे भी पड़ी। और का एक लड़की के करतूत सामने आए तो दूसरा के भी लपेटे भी नहीं हैं लोग। पर शादी तो दूर चैन से रह जाए घर वाले उहे बहुत बा। हमार बहन ऐसन घर और ऐसन आदमी के साथ रह पसंद भी ना करी जेकरा के ऐसन बेहूदगी चीजन से फर्क भी पड़त होगे। और आप आपन सोची हमार बहन के छोड़ी। उर्मी बहू हम तोरा से विनती कर रहल बानी जे कुछ भी भइल ओकरा खातिर माफी मांगता नहीं अब खत्म करा बात लौट आवा वापस सब कुछ ठीक हो जाए बहू। ए का करल बाड़े आप ए बित्ता भर के बहू और हाथ भर जुबान एकरा से माफी मांगी आप हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करत बानी पापा आप प्लीज हमके वापस आवे खातिर मत कही। देखा
हम आपके कहल टाल के आपके अनादर नहीं खे करे चाहत बानी, लेकिन पापा अब हमारी फैसला भगवान भी ना बदल सके। हम ही घर में लौट के वापस ना आए पापा, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करत बानी पापा, हमके माफ कर दी। लेकिन बेटा हमार बात पापा एकरा कहे के कुछ मतलब नहीं है। पति पत्नी के रिश्ता खराब भइल त ई रिश्ता के मार देली, और साथ साथ हमनी सबके साथ जो रिश्ता रहे ओकरो भी मार देली। हाय बेहया बेसरम निकल ले ली हा? और आप ए बड़ा भरोसा रहल कि हमार बात ना टाली, खुल गई ना देखा कैसे जा रहल बा। याद रखिया उर्मी, आपके एकड़ के हम चकना चूर ना कह दी ना तो हमार ना भी सम्राट सिंह राठौर ना हमार बाप से हाथ पैर जोड़वाई बाप। आप सबके इतना जोड़ब ना कि गिनती ना कर पाई बाप लोग बानी कितना, पूरा परिवार के पीस के रख दे याद रखा। आप पानी भी नहीं खे, हमार तो ना किस्मत ही खराब बा, जौन भी करे जाएली बिल्कुल उल्टा हो जाएला। अरे अच्छा भला सौदा हो गेल रहे सम्राट के साथे, करोड़ों रुपया कमा सकत रहली, लेकिन ना दो दिन के मोहलत उकरा के देली, उकमें सब कुछ पलट गेल। भगवान ना बहुत चुन के हमार किस्मत में देले बाड़े 0/घंटा, टंटनावत रहा बस। इतना आसानी से हार ना मानब हम, अगर हमार किस्मत पे ग्रहण बाना तो तोर किस्मत भी कबो चमके ना देब हम। का बेशरम आदमी बा, बीवी छोड़ देली और हसत बा, तनी भी अफसोस नहीं खे। ओकरा तक केहू के पढ़ल ही नहीं खे, सिर्फ अपना बारे में सोचेला या फिर अपन इमेज के बारे। इमेज बहुत इमेज कॉन्शियस बाड़े ना तू सम्राट, अब हम एकर इमेज के तोड़ा तानी, ऐसा नाम खराब करब तोर बेटा के याद रखबा। तो सम्राट सिंह राठौड़ के अवार्ड मिल चुकल बा, तो आप करत बानी उनसे कुछ बात। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर सम्राट, ई बार भी अवार्ड जीते खातिर। थैंक यू। लागत बा झांसी के होटल इंडस्ट्री में आपके मोनोपोली चलता, ई खातिर हर साल अवार्ड आपके ही मिलेला। बढ़िया बात बने ही, हमें तो बानी पूरा झांसी में बाके, और वी हैव द बेस्ट होटल्स, नो वन इज बेटर देन सम्राट सिंह राठौर। सम्राट सर, आपके प्रोफेशनल लाइफ ता ऊंचाई छुआ था, पर सुन ले बानी आपके पर्सनल लाइफ ता बिल्कुल खत्म हो चुकल बा। अरे सुने में आयल बा के आपके धर्म पत्नी आपके छोड़ के जा चुकल बाड़ी अपन मायके। अरे आप लोग हमरा के का देखा था नी, पूछी उनकरा से, पूछी सर कई बात सच बा। सर कई पुख्ता खबर बा, क्यों आपके छोड़ दे ले बानी। सर खामोश काहे बानी सर, आंसर दी सर बताई। ये देखी इट्स अ र्यूमर, हमार कंपटीटर्स अफवाह फैले ले बाड़ा, मर कुछ नहीं खे। सर हम नहीं सुन ले बानी कि आपके वाइफ आपके खिलाफ कंप्लेन कई ले रानी, वो है आपके जेल भी पहुंचे ले रानी। तो सर ई बार आप ऐसा का कहनी कि वो आपके छोड़ के चल गेलिन। उर्मी आपके वजह से हमारी बदनामी हो रहल बा, अब आप देखी कि हम कैसे आपके बदनाम करतानी। इतना सस्ता कर दे ना आपके कि कूड़ा भी आपके आगे महंगा लागी। तो अब नौकरी करबू? हाँ मम्मी, अकेले गौरव भैया पे तो पूरा जिम्मेदारी ना छोड़ सकेनी ना, और तो की याद बा पापा हमरा से का पूछ ले रानी कि भविष्य में हम आपन और अपना बच्चा खातिर का करब, तो हमके कुछ ना कुछ करे के तो होखी ना मम्मी, जेकरा से हम और हमार बच्चा केहू और के मोहताज ना रहे, और हम भी बहुत ही कड़ा शब्द में सम्राट जी के समझा देले बानी कि अब उनकर कौनो भी पैतरा हमरा पे काम ना आए, और हम लौट के वापस उनकरे पास तक कबो ना जाए।
उम्मीद करत बानी ई बात जल्द से जल्द वो भी स्वीकार कर ली। अरे गुड़ुआ, अरे क्लाउ रे क्वार्टर, जल्दी लेके आओ। हम लेके आओ ताने। जा जा जल्दी जा। हां जा जा, 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 जा साथ में जा जा जा। ठंडा आदमी वो दिन पैसा ना देतना तो हम छत से नीचे फेंक देती। अरे भाई अग्रवाल के बच्चे से पैसा वसूल कर बहुत बड़ा बात बा, बहुत लीचड़ आदमी बा यार। अरे लीचड़ बा एक खातिर तो ज्यादा पैसा देले बा यार। ये सही बा। ये सही बा। जब बड़ा हाथ मारब ना तब बड़ा बड़ा बात करा, समझ ले। बड़ा हाथ। हाँ। दस दस रुपया में बिके वाला भूखा भेड़िया बाड़ा नहीं, इनके अगर हजार मिल जाना तो खुद के हजार टुकड़ा कई के आपके सामने रखती हैं। तो उर्मी का चीज़पा, चिंदी चिंदी ना करवरी ना, तो हम भी राठौर नहीं खे। मम्मी हम चलत बानी, जहाँ जॉब खातिर इंटरव्यू देले रहनी वहां से कॉल आयल बा, बुलाइले बड़े वो लोग। तो चिंता मत कर, सब ठीक होगी, तो के जॉब जरूर मिली बेटा। मम्मा मम्मा हमके भी आपके साथ चले के बा। अरे सॉरी बेटा, तू कहाँ जाए बा मम्मा के साथ? मम्मा के चाहे तो जहाँ जाए के बा, तू और हम गेम खेलब। हाँ ना, हम अपन मम्मा के साथ जाए के बा, जाए के बा, जाए के बा, जाए के बा। सॉरी बच्चा, हम अभी आपके ना ले जा सके नहीं, मम्मा जरूरी काम से जा रहल बानी ना। अरे जब कह रहल बा जाए के तो ले जाई ना, एक तो बाप से अलग कर देलू बेचारा के और तंग कर रहल बाड़ू। अरे अपन साथ ले जाए तो का हर्ज होई। मम्मा हम आपके बिल्कुल भी तंग ना कर, अब प्लीज हमके ले चली। अच्छा ठीक, अब चली हमरा साथ। ये ये ये। मम्मी तू टेंशन मत ले, हम मैनेज कर ले। आई बहु। हाँ पापा। एक कप चाय ले जा। ठीक बा। इस सम्राट, सम्राट बेटा, इस सम्राट कहाँ बा? भैया तो निकल गई नहीं, का बात बा? हमके फोटो देखा विकी रहल शर्मा जी के बेटी के। सम्राट जी के शादी के बात कैले बानी शर्मा जी के बेटी से, वो भी बहुत खुश भाई रिश्ता से। हाँ वाह शशि वाह, गांव बसल ना कि लुटेरा आ गई ले। अरे चार दिन भइल ना बहू के घर से गई ले, तो दूसर शादी के बात करे लगी। अरे शर्म हया बा की ना कुछ, मान लेने की तू रिश्ता खत्म हो गई। हाँ हाँ मान लेनी, आपके तरह से नहीं खे की ना हम ससू ने चाहत बानी और ना देखे चाहत बानी। उर्मी तो रिश्ता तोड़ के चल गए बाड़े, फिर आप का फूंक मार के रिश्ता की जिंदा कर पे तुलल बाड़े हैं? ऐ हम का अपन बेटा के बारे में सोचब ना, वो चल गए बात का हमार बेटा जिंदगी भर बैठल रही ओकरे नाम पे। पर माँ इतना भी कहाँ जल्दी बा, उर्मी भाभी आ जाई है शायद वापस, जब उनका दिमाग ठंडा होके। आप ये सब अभी से काहे करल बाड़ू? ए अगर आवे के भी चाहे ना तो हम अंदर ना घुसे दे पोकरा के, बहुत ही बेइज्जतिल कई के गइल बाड़ी हमार। ए हम तो थूकब भी ना ओकरा पे। प्लीज माँ आप ज्यादा मत बोलल करी, उतने बोली जितना जरूरत बा। सम्राट भैया के साथ ना आपके रंग बदले में एक मिनट भी ना लागी, ही सब जाने ले। ए चुप कर, हमारा अम्मा मत बना, इला पकड़ा। पर अदिति माँ जी बिल्कुल सही कह रहल बानी, पैसे माँ जी हमरे तरफ में ना एक बहुत अच्छी लड़की भी है शादी खातिर। आप कहीं तो हम देवा जी खातिर बात चलाई। हाय बहू बस कर, ए तू एक ही काफी बाड़ू, मेला ना लगावे के बा हमके विद्वानों के। हाँ अब हम अपन हिसाब से ढूंढब अपन सम्राट खातिर एकदम नाप तोली के। हाँ अब जाए जी कुछ भी हो जाए हम अपन सम्राट की शादी करवा के ही रहब। ये दरवाजा से ना चित की जाए हम मंडप तक,
चांदी के सिक्का लुटावत हुए। हाँ खड़ी का बाड़ू, हमरा खातिर हलवा बनाई के लेके आवा जा, ए भूख लागल बा हमके। हलवा लावत बानी अभी। मम्मा प्लीज। बच्चा आज हमके बहुत देर हो रहल बा, फिर कबो प्लीज। मम्मा प्लीज 2 मिनट हमके कलरिंग बुक चाहिए। चला भैया हमके कलरिंग बुक और कलरिंग पेंसिल्स दिखा दी बच्चन वाली। ऑल सेट पापा। तो काम ऐसा होके के चाहिए कि फौरन रिजल्ट चाहिए। इंतजार कर पसंद ना हमरा के, समझ गेला का? समझला आंधी के तरह घुस के इतना झकझोर दा कि सब उजड़ल बाग दिखे लागे। पापा पापा। अरे शहर कैसन बड़ा हमार बच्चा। हम ठीक बानी। का करत आड़ा यहाँ पर? एगो काम करी, ई दोनों दे दी। कितना भइल बता दी? 100 रुपया। शौर्य शौर्य शौर्य। बहन जी आप एक छोटा सा बच्चा देखी का, लाल रंग के टी शर्ट पहने रहे हो। शौर्य सुनी वो हमार छोटा सा बच्चा रहा, आप देखनी का। जी ना सॉरी ना देखनी। जी ना ना। आप भैया हमार छोट से बच्चा के देखनी का। पापा आप हमरे साथ काहे ना आईने? तो मिस करनी आप पापा के ना कहनी? हम आपके बहुत मिस करनी। बहुत मिस कहला? कैसे मिस कहला पापा के बताओ, कैसे कहला? बताओ कैसे कहला? कहीं नहीं। सब ठीक बा वहां पर? क्यों तंग तना करेला? ना अभी तो मिस कहनी, आप कौन मिस कहनी? चली शोर। अच्छा तब बाप बेटा के भी ना मिले देवल चाहता नहीं, अलग करबे करके हमसे। हाँ जी का चाहत का बानी? हम अपना बच्चा से 2 मिनट बात ना करी, प्यार ना करिए करा के हम, ये चाहते नहीं आप? अगर इतना ही मिस करत रहने तो आके मिल लेती हैं एकरा से। रास्ता में चलत दिख गई तब प्यार आ गई आपके। चली शौर्य। पापा हमके मंदिरा दीदी के बहुत याद आ रहल बा, हम कब आई बापन घर? बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्द, बहुत जल्द आपके मम्मा आपके लेके आई है खुद अपना घरे। चली शौर्य। बाय शौर्य। बाय। See you soon. See you soon. अरे असा तू काय ना खा रहल बाड़ू, खाई ना? अरे ओ अम्मा अब तबियत सही ना बा बेचारी के, जब से उर्मी बिटिया आइल बानी तब से परेशान रही लागल बा बिल्कुल। Thank you.
अरे अरे के बानी आप लोग, और ऐसे कैसे गुस्से नहीं घर में? अरे अंकल, आपके शुभचिंतक बानी, हम तो ऐसे ही आवत रहा। इका बदतमीजी करत बड़ा आप लोग, हाँ केकरा इजाजत से बैठला यहाँ? चला निकला निकला यहाँ से। कहाँ है ये वे बिया जब अपन पति के छोड़ के आए बिया, और यहाँ पे अपन तेवर दिखा रहा बिया। अरे भैया ये छटकी वाली बाड़ी, हाँ छटकी वाली बाड़ी। कोरा या कोरा, बिल्कुल कोरा बाड़ी भैया। अभी देखा ना भाई लोग, एकर शादी ना भाईल बा। कुआर बाड़ी, कुआर कुआरी कन्या, कुआरी कुआरी कन्या कुआरी। अनु तू अंदर जाई। फौरन निकला यहाँ से तू लोग, हमारे घर में घुसे के हिम्मत कैसे भेल तू लोग के? फौरन निकला ना तो अभी पुलिस के फोन कर। अब निकला। अरे अंकल, हम आपके पड़ोसी बानी, हमने सुनले बानी कि आपके लड़की ससुराल के घर छोड़ आइल बिया, और भाई के नौकरी भी चल गई बा। यही खातिर सुचनी पड़ोसी होकला के नाते आपके मदद करे के चाही। अरे भाई करे के चाही कि ना? करे के चाही। देखिए अंकल, आप समझदार आदमी बानी, ही खातिर समझदारी के बात बतावता नहीं। देखिए आप टेंशन मत लें, जिनकर दू खूबसूरत बेटी होके ना, अरे उनके तो टेंशन लेवे के जरूरत ही नहीं खे। अरे अच्छा दाम दिलवाए हम आपके अंकल जी। अरे बड़ बड़ लोग मत्था टेकी हैं आके यहाँ पे। अरे आप भी अपन तिजोरी भरी, हम भी चार चिल्लर कमा ले, आपके भी ऐश हमनी के भी ऐश। कहा बोला था नहीं सर जी। बदमाशो निकला, अभी फोन करके पुलिस के बुलाई, और पुलिस आई और सबके अंदर कर दी, निकल जाई। दादी जी आप एक काम करें, आप बुला ली पुलिस, का कर ली पुलिस, हमनी तो शराफत के नाते आपके एको एडवाइस देता नहीं। अरे भाई कोनो क्राइम थोड़ो ना करता नहीं, सोशल सर्विस भाई था विद रिस्पेक्ट। अरे भाई एगो शादीशुदा भी रहे ना, ऊ वाली तो दिखा थी नहीं खे। अब जब हमने यहाँ तक आ ही गई बानी तो तनी ओकरा से भी मिल लिया जाए के ऊ वाली कैसन बाड़ी। वाली। अरे हाँ दादी, कहाँ गई ली, वो दिखाई नहीं के दे, बुलाई ना हम भी तनी देख ले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आपके कौन एक्सपीरियंस नहीं खे, फिर भी आप पे ट्रस्ट करके और आपके लगन के देख के हम आपके रिसेप्शनिस्ट के जॉब देता नहीं। आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट। नो नो सर, हम पूरा मेहनत करे की कोशिश करब और पूरा लगन के साथ काम करब। आपके हमारे तरफ से कोनो शिकायत के मौका ना मिली, आप भरोसा रखिए हमरा पे। दैट्स गुड। ये रहल आपके अपॉइंटमेंट लेटर। और हाँ मिस्टर खन्ना, आप जो प्रेजेंटेशन भेजले बानी वो ठीक तबाना, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी। थैंक यू सर। या तब से काम शुरू करे के बाद बता दे अब अंकल जी, सब संभाल ले और माल के टेस्ट भी कर ले, मार्केट में प्रमोट भी कर दे, और ऐसा नीलामी कर अब कि 5 के माल 25 में बिकी। Thank you.
हे दाता, अभी कौन से दिन दिखावत बाड़ा? ये दिन देखे के खातिर हमके जिंदा रख ले रहा लका। चला चल भाई, चल चल और चाय मजा आई ना। ये लोग के बड़े हमार घर से बाहर कैसे निकलत बड़े?